जी छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 3 में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसको तीन स्वरूपों में सार्वजनिक क्षेत्र को पाया गया, जिसमें एक था विभागीय संगठन और दूसरा जो है सार्वजनिक निगम। और तीसरा जिसका हम आज यहां पर अध्ययन करेंगे, सरकारी कंपनी। तो विभागीय संगठन जो है ये सार्वजनिक उद्यम की सबसे प्राचीनतम प्रणाली है, जैसे डाक, तार, रेलवे, सुरक्षा उद्योग जो हमने देखे ये विभागीय संगठन के अंतर्गत आते हैं। वहीं सार्वजनिक निगम के अंतर्गत जो है ऐसे उपक्रम थे जिनकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने एवं वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी अधिनियम विशेष के अंतर्गत की गई थी, तो वो कहलाते थे सार्वजनिक निगम। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे सरकारी कंपनियां क्या कहलाती हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरकारी कंपनी मतलब सरकार के द्वारा स्थापित सरकारी कंपनी। इसमें पूंजी जो है इसकी है सरकार की है। तो यह हम आगे परिभाषा के तौर पर जानेंगे कि सरकारी कंपनी क्या कहलाती है। सरकारी कंपनी तो सार्वजनिक उद्यम के संगठन के अंतर्गत सार्वजनिक निगम के दोषों को दूर करने के लिए, सार्वजनिक निगम की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सरकारी कंपनी के स्वरूप को चुनना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में जो है अब तक अधिकांश सार्वजनिक उद्यम सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किए गए। तो यहां पर जो सार्वजनिक निगमों की कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों के स्वरूप का चयन किया गया। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सरकारी कंपनी क्या है? सरकारी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जिसकी कुल पूंजी का आधे से अधिक भाग अर्थात 51% भाग इसके पास है, या तो केंद्रीय सरकार के पास या फिर यहां पर राज्य सरकार के पास है, या कुछ हिस्सा जो है केंद्रीय सरकार के पास और बाकी एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसकी कुल पूंजी का आधे से अधिक हिस्सा 51% जो है केंद्रीय सरकार के पास है या उसमें से और हिस्सा जो है राज्य सरकार के पास है, वो कहलाती है सरकारी कंपनी। साथ ही ये एक ऐसी संस्था है जिसकी प्रधान अंशधारिता या नियंत्रक कौन है? सरकार है। मतलब यहाँ पर जो उस कंपनी की कुल पूंजी है उस पूंजी में 51% जो हिस्सेदारी है, अंशधारिता है, उसका 51% हिस्सा किसके पास है? सरकार के पास, सरकार यहाँ पर। तो ये और साथ ही नियंत्रण किसके पास है? सरकार के पास। तो सरकारी कंपनी वो कंपनी है जिसके पास अंश पूंजी का 51% हिस्सा सरकारी नियंत्रण में है, साथ ही नियंत्रण सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है, तो ऐसी कंपनी कहलाती है सरकारी कंपनी। इसके बाद हम जानेंगे कि सरकारी कंपनी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है ये एक क्या है? निगमीय संस्था है, निगम के रूप में। इसका निर्माण जो है देश के अंतर्गत किया जाता है, जो उद्योग व्यवसाय की स्थापना से संबंधित जो भी सामान्य कानून है जनरल उसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। तो ये एक निगमी संस्था है। दूसरा बिंदु है इसका अंश पूंजी। अंश पूंजी जैसा कि अभी बताया कि कंपनी की कुल पूंजी का जो आधे से अधिक हिस्सा है 51% हिस्सा किसके पास होता है? केंद्र या राज्य सरकार अथवा दोनों के पास होता है। तो
यहाँ पर 51% जो हिस्सा होता है वो सरकारी पूंजी का होता है, और ये इसका हिस्सेदारी जो है किसके पास होती है, केंद्र या राज्य सरकार के पास होती है। शेष अन्य जो है ये भारतीय या विदेशी फर्मों के पास होता है 49%। बचा हुआ जो 49% हिस्सा है वो शेष अन्य भारतीय फर्मों के पास या विदेशी फर्मों के पास होता है। फिर बात करें हम संचालक की, कंपनी का जो संचालन किसके द्वारा होता है, तो कंपनी के जो संचालक है वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। सरकारी कंपनी के जो भी संचालक गण है, प्रबंध की संचालक से जुड़े हुए, प्रबंधन से जुड़े हुए, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार करता है। बाकी कुछ भारतीय फर्मों और विदेशी फर्मों की सहभागिता के आधार पर भी संचालकों का चयन यहाँ पर किया जाता है। तो तीसरी जो विशेषता है वो है संचालक। चौथी बात करते हैं हम पार्षद अंतरनियम। पूर्व में हमने पढ़ा था पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम। तो कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम होते हैं वो कंपनी के मूल चार्टर होते हैं, अर्थात जिन चार्टर नियमों के आधार पर कंपनी अपने प्रबंध की व्यवस्था को संचालित करती है। फिर पार्षद सीमा नियम से जुड़े हुए जो संबंधित अंतर नियम है वो कहलाते हैं पार्षद अंतर नियम। तो इसका विधान जो है सरकार द्वारा बनाया जाता है एवं समय समय पर इसको हम संशोधित कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है पार्षद अंतर नियमों में तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कंपनी की वित्तीय व्यवस्था की, कंपनी की जो पूंजी है वो कहाँ से जुटाई जाती। तो इसमें सरकारी पूंजी जैसा कि बताया लगी होती है, साथ ही वित्तीय व्यवस्था के लिए ये क्या है, स्वतंत्र है। साथ ही जो भी उसको कंपनी से आय प्राप्त होती है, कंपनी के व्यापार व्यवसाय उद्योग से जो भी उसको आय प्राप्त होती है उसको वो अपने पास रखती है। साथ ही जो भी एक्सपेंडिचर खर्च हैं वो करने के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। तो ये है सरकारी कंपनी की विशेषताएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सरकारी कंपनी के गुण या महत्व या लाभ कौन कौन से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी कंपनी के निर्माण में क्या है, आसानी है, सरलता है। इसकी स्थापना जो है सरल एवं निर्माण हेतु विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की जाती है। फिर बात करें हम लोच की, परिवर्तन की, कि कंपनी का यदि पूंजी स्वरूप, कंपनी की पूंजी में यदि हमें कोई परिवर्तन करना है, साथ ही जो प्रबंधन संबंधी ढांचा है, जो संरचना है प्रबंध की कंपनी की, उस संरचना में यदि हमें किसी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही स्वायत्तता, स्वायत्तता से मतलब है यहाँ स्वतंत्रता, अर्थात स्वयं के द्वारा जो है उत्पादन किया जाता है, स्वयं के द्वारा उसको बेचा जाता है और स्वयं उसका उपभोग, यहाँ पर जो भी लाभ है हानि है उसको वहन किया जाता है, मतलब संपूर्ण संचालन जो है स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने द्वारा करता है। तो कार्य संचालन जो है यहाँ अधिक स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। साथ ही नौकरशाही एवं कठोर नियंत्रण इसमें कम होता है, तो अधिक स्वायत्तता जो इसमें प्राप्त होती है। साथ ही व्यवसायिक नीतियों की बात करें हम, तो निजी कंपनी की व्यवसायिक नीति की तरह ये भी व्यवसायिक नीति व सिद्धांतों को अपना सकती है, अर्थात जिस प्रकार से एक निजी कंपनी की जो व्यवसाय से संबंधित नीति होती है ठीक उसी प्रकार की नीति को ये सरकारी कंपनी भी यहाँ अपना सकती है सिद्धांतों को। फिर बात करें हम कुशल प्रबंध की, तो निजी कंपनी के सहयोग के कारण प्रबंध की कुशलता जो है तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टता भी प्राप्त हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर निजी कंपनी की तर्ज पर सरकारी कंपनी भी कार्य करती है, तो जिस प्रकार से निजी कंपनी में बेहतर प्रबंध की व्यवस्था होती है, बेहतर प्रबंधक होते हैं, बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण होता है, उनकी तकनीकी ज्ञान बेहतर रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है सरकारी कंपनी में भी प्रबंध की कुशलता, तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टता भी प्राप्त हो जाती है।
तो ये है सरकारी कंपनी के गुण या महत्व। अब हम बात करें यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती कि वर्तमान परिवेश में आज जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका किस प्रकार से बदल रही है। जैसे 1991 की नई जो आर्थिक नीति है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर देश की स्वतंत्रता के बाद जो है आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है बहुत बहुत तेजी से बदली है। 1948 एवं 1956 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया। इन सार्वजनिक क्षेत्रों में आधारिक संरचना का जो है विकास सौंपा गया, उद्योग व्यापार व्यवसाय संबंधित जो जुड़ी हुई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का जो है जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई। इसमें मूल एवं भारी उद्योग आते हैं जिनका विकास किया गया जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक थे। यहां पर अब दूसरी बात करें निजी क्षेत्र द्वारा विशाल पूंजी की अपर्याप्तता के कारण एवं लाभ का लंबे समय तक इंतजार होने से निजी क्षेत्र द्वारा इन उद्योगों की स्थापना के प्रति रुचि न लेने से उद्योगों का विकास सरकार द्वारा किया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उपक्रमों की स्थापना की जाती है उसमें हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में पूंजी की, बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही लाभ का इंतजार जो है स्थापना के पश्चात जो है कंपनी कार्य करती, उपक्रम कार्य करता है और लाभ जो है उसको लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। तो निजी क्षेत्र जो है यहाँ पर इस उपक्रम से जो है जुड़ने के बजाय दूर होते इसलिए चले गए क्योंकि विशाल पूंजी, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता उनको चाहिए, साथ ही लाभ जो है उतने लंबे समय तक वो इंतजार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र के रुचि न लेने के कारण इन उद्योगों का विकास जो है सरकार के द्वारा किया गया। अब 1991 में जब नई औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति लागू की गई तो अर्थव्यवस्था को जो है तेजी से वैश्वीकरण हुआ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को सीमित व निजी क्षेत्रों का विस्तार किया गया जिसमें निजीकरण को प्रधानता दी गई। तो यहाँ आप देखते हैं कि 1991 जब नई औद्योगिक नीति लागू हुई तो तेजी से वैश्वीकरण हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं उनमें सीमित व निजी क्षेत्रों का विस्तार जो है वो तेजी से किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों को सीमित किया गया और निजी क्षेत्रों को जो है विस्तारित किया गया जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में यहाँ पर काफी हद तक परिवर्तन हुआ। यहाँ हम बिंदुओं के आधार पर देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी वो किस प्रकार से 1991 की औद्योगिक नीति के बाद परिवर्तित हुई। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो परिवर्तन लाया गया आरक्षण व नियंत्रण में कमी, उत्पादन के ऐसे क्षेत्र जो आरक्षण से मुक्त करने लायक था अर्थात जिनको उत्पादित करने का कार्य मुख्य रूप से सरकार के द्वारा अपने हाथों में लिया गया उनको फ्री किया गया, उन पर जो नियंत्रण था वो कम किया गया। तो मूलभूत उद्योगों में गैर सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि और पूर्व में जो 17 आरक्षित क्षेत्र थे उनमें से सिर्फ 2 क्षेत्र जिसमें एक परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेल परिवहन, इन 2 क्षेत्रों बस को जो है सरकार के द्वारा आरक्षित रखा गया। बाकी जो पूर्व में 17 आरक्षित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन करने के लिए फ्री होल्ड कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी
बहुत सारे उद्योगों के लिए उत्पादन के लिए जो है लाइसेंस फ्री कर दिया गया, सिर्फ जो रखा गया जिसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है, बगैर लाइसेंस का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, दूसरा तंबाकू निर्मित सिगरेट या सिगार, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण से जुड़े हुए उत्पादन, इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ का उत्पादन और खतरनाक रसायन वाले उत्पादन, इनको जो है लाइसेंस की कैटेगरी में रखा गया और जो पूर्व के 70 आरक्षित क्षेत्र थे उनको सबको फ्री होल्ड कर दिया। सिर्फ दो क्षेत्रों को उन्होंने अपने पास रखा जिसमें एक परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेल परिवहन। तो यहाँ पर जो है आरक्षण और नियंत्रण से उद्योगों को मुक्त किया गया। दूसरा बिंदु जो परिवर्तन में आया यहाँ पर, रुग्ण इकाइयाँ सार्वजनिक उपक्रम, ऐसी इकाइयाँ जो कि बीमार हालत में थी, बीमार से तात्पर्य यहाँ पर कि जिनकी लाभार्जन क्षमता बहुत कम मात्रा में थी, तो ऐसी बीमार इकाइयाँ जिनकी लाभार्जन लाभ क्षमता कम थी, उनका स्थापना व्यय बहुत अधिक मात्रा में, तो ऐसी इकाइयों को क्या किया गया, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत लाया गया। तो सभी सार्वजनिक, वर्तमान में सभी सार्वजनिक इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया गया। अब यहाँ पर बोर्ड ये तय करता था कि कौन सी रुग्ण इकाइयों का पुनर्गठन संभव है, अर्थात ऐसी इकाइयाँ, रुग्ण इकाइयाँ, बीमार इकाइयाँ जिनको यदि हम पुनर्गठन करते हैं तो पुनः उनके द्वारा लाभ कमाया जाना है, वो उत्पादन प्रॉपरली होने लगे और लाभ प्रॉपरली होने लगे, घाटा कम होने लगे। तो यदि ऐसी बीमार इकाइयाँ जिनको पुनर्गठन संभव है तो उनको रखा जाए और बाकी को जो है बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर रुग्ण इकाइयों, बीमार इकाइयों के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई, जो ये तय करता था कि कौन सी इकाइयाँ चालू रखने लायक हैं या कौन से उपक्रम इकाइयाँ बंद करने लायक हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की जो स्थापना की गई, बहुत सारी जब निजी क्षेत्र में बहुत सारी इकाइयों को हस्तांतरित कर दिया गया तो बहुत सारी सार्वजनिक इकाइयां क्या होने लगी, बंद होने लगी। तो सार्वजनिक इकाइयों के बंद हो जाने से जो वहां कार्यरत कर्मचारी थे, श्रमिक थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार, श्रमिक बेरोजगार हुए। और उनके असंतोष को दूर करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने, अब यदि जो श्रमिक बेरोजगार हुए हैं यदि वो आगे काम करने के लायक हैं तो उनको दूसरी इकाइयों में हस्तांतरित किया गया, तो उनको वहां पर प्रशिक्षण वगैरह देना, साथ ही सेवानिवृत्त श्रमिकों को मुआवजा देने हेतु इस कोष को प्रयुक्त किया गया। अर्थात ऐसी सार्वजनिक इकाइयाँ जिन्हें बंद कर दिया गया और वहाँ के जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हुए, तो ऐसी स्थिति में या तो उनको वहीं कहीं शिफ्ट किया गया, उनका प्रशिक्षित उनको किया गया, साथ ही जो सेवानिवृत्त हुए श्रमिक उनको मुआवजा देने के लिए इस कोष का प्रयोग किया जाता, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष। फिर इसके बाद अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, सरकार द्वारा जो है 9 सार्वजनिक उपक्रम जो वर्तमान में BHEL भेल, BPCL, IOC, ONGC, SEL, HPCL, NTPS, PTC, NTPC, GAL और MT-NL आदि। तो यहाँ हम देखें कि जो BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन, और उसके बाद ONGC, यहाँ
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके बाद HPCL छठवें नंबर की जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसके बाद सातवां NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये गैल GAIL ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अंतिम जो MTNL है महानगर निगम टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो बंबई और दिल्ली यहाँ पर जो टेलीफोन कंपनी के रूप में आपसी पूरे देश में संचार व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो अधिक स्वायत्तता की बात कर रहे थे, तो सरकार द्वारा जो 9 सार्वजनिक उपक्रम हैं इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया था, इन्हें अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ये जो सार्वजनिक उपक्रम थे 9, इनको बहुत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई, और इनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकारी प्रयास किए गए। फिर निजीकरण की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर निजीकरण में सरकार ने जो है कम लाभदायक ऐसी संस्थाएं जिनमें सरकारी पूंजी लगी हुई थी वहां पर सरकारी पूंजी का अपनिवेश करना शुरू किया, अर्थात जो उनकी हिस्सेदारी सरकारी पूंजी की लगी थी उसको कम करके लगभग यहाँ पर 26% तक कम कर दिया, और या फिर उससे भी कम कर दिया। साथ ही कुछ उपक्रमों को पुनर्संरचना कर संचालित किया गया, तथा जो संचालन की स्थिति में नहीं थे उनको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका थी इस संबंध में हमने इन बिंदुओं के आधार पर जाना वर्तमान परिवेश में। यहाँ पर कुछ अभ्यास संबंधित प्रश्न हैं। सरकारी कंपनी से आशय एवं उसकी विशेषताएं लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है सरकारी गुणों को, सरकारी कंपनी के गुणों को समझाइए। तीसरा है वर्तमान संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तित भूमिका किस प्रकार की है, यहाँ पर आपको बिंदुवार समझाना है।